तो ये महेंद्र का एक्सरे है सर्जरी के 3 महीने बाद, जिसमें आप देखेंगे कि जो बोन है बिल्कुल अच्छे से इंटीग्रेट हो गई है कप के चारों तरफ। 2 स्क्रू हमने लगाए थे क्योंकि इनिशियली जो बोन क्वालिटी थी, आमतौर पर फ्रैक्चर के केसेस में हम देखते हैं बोन सॉफ्ट होती है, तो इसे इनिशियल फिक्सेशन के लिए 2 स्क्रूज़ लगाए थे। ये जो प्लेट है पहले से ही है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। और इधर भी आप देखेंगे स्टेम बिल्कुल प्रॉपर पोजिशन में है और बिल्कुल फिक्स्ड है। पेशेंट चल रहे हैं, पूरा वेट भी डाल रहे हैं, लेकिन अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि बोन ने उसको पूरा सा ग्रिप कर लिया पूरे अच्छे से। तो अब इस इम्प्लांट में बहुत आने वाले सालों तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चल सकते हो, चलते रहो। वेरी गुड। एक बार और वन मोर। महेंद्र के एग्जामिनेशन में पहली चीज़, इनका पहले पैर छोटा था राइट वाला, जिसमें इनको इंजरी थी, जिनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल इक्वल है इनकी लेग लेंथ, पहली चीज़। दूसरा, इनका मसल वेस्टिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट थी राइट साइड में, अब लेकिन मसल्स वापस आ गई है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलना फिरना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब इस पैर पर पूरा वजन डाल रहे हैं, तो इस पैर की मसल्स भी अब इस्तेमाल हो रही हैं। मूवमेंट्स ऑलमोस्ट 120 डिग्री। जनरली कन्वेंशनल टेक्निक से अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 90 भी अलाउड नहीं होता है, जनरली 80 ही अलाउड होता है, लेकिन MIS टेक्निक से आप 120 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं और रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं एंड अबडक्शन 45 डिग्री से भी ज़्यादा है। एक्सेलेंट। महेंद्र हमारे पास आए हैं और ये बिल्कुल आराम से पूरी AD टिका के रिलैक्स होकर स्क्वाट कर पा रहे हैं, जिससे आप ये इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं, खड़े होकर एक बार फिर करो बिल्कुल स्मूथली, कोई पेन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। ऑल राइट, एक बार वहाँ दीवार के साथ एक बार चौकड़ी लगा कर देखेंगे, शूज़ निकाल दो आराम से बैठो। तो ये बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे कितनी देर बैठ पाते हो? 10-15 मिनट खाना खाते समय तक बैठ जाता हूँ। हाँ, उसके बाद कोई दिक्कत होती है वैसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश नहीं करते? ठीक है, एक बार खड़े हो। वैसे मैं ज्यादातर तो बैठा भी नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ खाना खाया और बैठ। फिर एक बार बेटा शूज उठाओ सामने से। तो ये एडवांटेज है MIS टेक्निक का कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, इनको कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस पैर का ऑपरेशन हुआ है और किस में इनको कोई रिस्ट्रिक्शन करनी है या कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये पोजीशन है हमारा, खाने खाना है, पूजा करना है, कोई सोशल गैदरिंग है, तो इस पोजीशन में पेशेंट को बैठना होता है। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है, और हिप रिप्लेसमेंट में हमेशा मना किया जाता है कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, और इवन ये भी कहा जाता है कि इससे इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, MIS टेक्निक के साथ पहली चीज़ डिसलोकेशन के चांसेस नहीं है, और दूसरा इम्प्लांट की लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी लोग हमारे से पूछते हैं कि क्या हम ऐसे बैठ सकते हैं, क्या रोज़ बैठ सकते हैं। आपको जितना भी ज़रूरत है उतनी बार दिन में और उतनी देर आप बैठ सकते हैं।